ठीक है। आम आदमी पार्टी, हाँ जी, देवी देवी आपदा, आपदा या अवसर, ये आप बताएंगे। नहीं, आपदा नहीं, देवी आपदा की बात तो यह है, जहाँ विधायक जी का क्षेत्र है, जहाँ विधायक जी के रोज निकलते हैं बैरियर नंबर 6 से भाईचारे तक, आज कई रोड का हालत देखो, आज कैसी हालत है उसकी, जिस पर कोई चल नहीं पाता, रोड नहीं वो गड्ढे दिखाई देते, रोड बार बार तो, पार्टी अभी आरोप लगा रही है कि रोड नहीं है, गड्ढे हैं। देवी आपदा बहुत बड़ा, देवी आपदा मैं तो अवसर बोलूंगा, कि जब तक आपदा नहीं आती अवसर भी नहीं आते। अभी भाई साहब ने बताया आप पार्टी वालों ने कि माननीय हरीशचंद की उपाधि दी उनको केजरीवाल जी को, अरे उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि मैं राजनीति में कदम नहीं रखूंगा, और अपने सत्ता के उसके अंदर वो आ गए और राजनीति में उतर आए, मान्य ना हजारे जी को पीछे छोड़ दिया, तो हरीशचंद क्या झूठे कसम खाते थे क्या? आप इसका जवाब मुझे दीजिए। राजवीर जी ने अभी जो कहा, उस टाइम वित्त की कोई व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने खाली हवा में घोषणा करी थी, अब वित्त की व्यवस्था हुई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया है। यहाँ तो पब्लिक पब्लिक जवाब दे रही है, आपके आपके आपका सपोर्ट पे बिल्कुल पब्लिक उतरी हुई है। हाँ जी, वो तो बोलते हैं सिर्फ उस टाइम व्यवस्था कुछ नहीं थी, आपने सिर्फ घोषणाएं कर दी, शिलान्यास कर दिया। अभी चुनाव सामने है 2022, अपना पता चल जाएगा, अगर वित्तीय व्यवस्था है तो 2022 तक बना के दिखा दे, कोई काम करके दिखा दे। अभी शिलान्यास जगजीतपुर में भी किया है। अरे तो समय तो आप लोग भी जमीन हमने दी है, हमने डबल इंजन की सरकार दी हुई है, डबल इंजन की सरकार बताए तो सही, कहां को अभी जगजीतपुर में जो शिलान्यास किया है उसमें एक ईंट लगाई जब से, वो जमीन भी हमने दी है, नगर निगम ने दी है, नगर निगम हमारा है, नगर निगम आपका है, तो डूब जो रोड नहीं है डूब रहा है ये भी सब आप ही का होगा। ऐसा है माननीय विधायक जी, अभी 2022 सामने है, ये बात उन्होंने 2017 के आने से पूर्व भी की थी, अपनी निधि को वो चुनाव से 6 महीने पहले के लिए रोक के रखते हैं, जो सड़कों की बात करते हैं मात्र वो चुनाव आने के नजदीक करते हैं, नहीं तो जितनी जो नई कॉलोनियां। अच्छा, नगर निगम की जिम्मेदारियां क्या क्या? मैं बता देता हूँ, जो नई कॉलोनियां इस विधानसभा क्षेत्र में है उन सब ने इस विधायक इन विधायक जी को चुना था, लेकिन विधायक जी ने सिर्फ उनको छलने का काम किया, आज नई कॉलोनियों के लोग इतने त्रस्त हैं, और उनके अलावा और भी हैं, लेकिन नई कॉलोनियों में अगर एक भी सड़क बनाई हो, एक भी नल लगाया हो, एक नाली बनाई हो, कोई भी व्यवस्था की हो, ये खाली बातों से काम नहीं चलता, धरातल पे दिखाई दे, धरातल कोई नजर नहीं, धरातल पे दिखाएंगे। आपकी पार्टी पे बड़ा आरोप, बच्चों की कसम खाई थी राजनीति में नहीं आऊंगा, अन्य हजारे जी को भूल गए, जनता को भूलने में तो टाइम ही नहीं लगता किसी को। जब कोई काम नहीं होगा तो हम राजनीति करने नहीं, हम राजनीति बदलने आए हैं, हमारा हर आदमी हर जो भी खुद के विचार तो बदलो, हमारे खुद के विचार बदले हुए हैं। तो कहां से कस्में क्यों खाते हो? नहीं, कस्में नहीं खाई, हमने बिजली का वादा किया था, पानी का वादा किया, दिल्ली में बिजली दी, 200 यूनिट बिजली फ्री दी हमने। उत्तराखंड की बात करें या दिल्ली की करें, आप बताएं। उत्तराखंड में तो हमारी सरकार है नहीं, अभी तो हम पैर जमा रहे हैं, उपलब्धियां दिल्ली की गिनाएंगे और बात राजनीति उत्तराखंड की, उत्तराखंड में राजनीति करेंगे हम, जो वादा करके आएंगे, हम जो वादा करते हैं वो लिखित में करते हैं। कितनी नौकरियां दी आपने 7 साल में? सात साल में कितनी नौकरियां दी? नौकरियां कितनी दी आपने 7 साल में? विकास का कार्य दिल्ली में किया ना हमने, दिल्ली में काफी किया। कितनी नौकरियां? 7 साल में 1000 आदमियों को नौकरियां दी हमने। कितने? कई हजार आदमियों को हमने, यहाँ 6 महीने में लाख आदमियों को नौकरी देने, यहाँ 6 महीने में लाख आदमियों को नौकरी का वादा किया, लिखित में कर रहे हैं हम वादा, ये हम छबाजी नहीं करते, हम लिखित में। ये एक कार्ड लेके घूमते हैं और ये कार्ड लेके बोलते हैं कि हम जो बोलते हैं वो लिख के कर रहे हैं, बता के कर रहे हैं, और 7 साल में इन्होंने कुछ हजार नौकरियां दी हैं और यहाँ 6 महीने में लाखों नौकरी देने वाले हैं। जी, आप कुछ पूछने वाले थे? हाँ जी, मैं ये राजवीर भाई साहब से पूछना चाह रहा था। राजवीर भाई साहब से पूछना चाह रहा, जोर से उठ के बोले जरा। मैं राजवीर भाई साहब से पूछना चाह रहा था, ये बोल रहे कि जगजीतपुर में जमीन हमने दी, भाई नगर निगम की रजिस्ट्री आपने करा रखी है, ये पूरा भारत देश जनता का ही है, जनता के लिए दिया गया है, लेकिन प्रस्ताव किसने दिया? यहाँ के विधायक ने प्रस्ताव दिया भारतीय जनता पार्टी के, और रावत जी की जो बात करते हैं हरीश रावत जी की जी। वो तो आप जब पत्रकार लोगों ने स्टिंग किया तो कहते थे आप भ्रष्टाचार करो मैं आग बंद कर लूंगा, तो ये भ्रष्टाचार करने के लिए आ रहे हैं कि 2022 में? अच्छा, हाँ जी, कांग्रेस भ्रष्टाचार करो आंखें मैं बंद करूंगा, ये इनका आरोप है आपकी पार्टी के ऊपर। आज जो जमीन आपको दी है उसका जो है वो उनके किसान विधायक निधि से गया है वो आपके पास जी। इस तरह का भ्रष्टाचार जैसे राफेल में अभी हाल ही में किया गया है। राफेल की बात ना करो आप यहाँ पर। नहीं, अभी रोजगार की जो मैं बात कर रहा था, माननीय हरीश रावत जी 2.5 साल में 34,000 स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसियां निकाली थी और 18,000 पे रिक्रूटमेंट हो चुका था, 16 बची हुई थी, 16 पे कार्य जारी था, वो अगर एक भी भर्ती इन्होंने की हो बीजेपी ने, बता दे मुझे। अच्छा, एक भी नहीं? आपने तो पेपर लीक करके भी नहीं की, कौन कहता पेपर लीक? अरे एक मिनट,
इनका कहना है कि आपने तो पेपर लीक करके भी नहीं करी, हमने पेपर लीक करके तो कर दी। चलिए आप और किसी का सवाल था, आपका था। हाँ जी हाँ जी, आप बताएं जी। मेरा पहला सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि इनका कहना है कि हमने कांग्रेस से सवाल है इनका। हाँ जी सुन लीजिए आप। नहीं सवाल तो भाजपा से भी होगा, पहला मैं कांग्रेस से कर लेता हूँ। इनका कहना कि हमने प्रदेश के विकास के लिए उत्तराखंड में सिड़कुल की व्यवस्था की, इनमें से जितनी भी इंडस्ट्री लगी इसमें कुछ इंडस्ट्री पर्वतीय क्षेत्र में लगाई जा सकती थी, जैसे हर्बल कंपनी, वो छोटी छोटी यूनिटें होती हैं, वहाँ का विकास हो जाता है, जड़ी बूटी का प्रदेश है हमारा, वहाँ से इस समस्या को झेलने के लिए उनको पर्वतीय को मजबूर कर दिया कि उनको प्लान करके यहाँ आना पड़ा नौकरी करने के लिए, जबकि कुछ उद्योग इसमें से पर्वतीय क्षेत्र में लगाए जा सकते थे। दूसरा सवाल मैं भाजपा से करूंगा। दूसरा सवाल मेरा भाजपा से, जिस समय ये यहाँ देहरादून वाला टोल प्लाजा चालू हुआ उससे पहले इनके साथ संज्ञान में ये चीज होगी कि टोल प्लाजा कहाँ बनाया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्र के लोगों ने संघर्ष करने के बाद में ये उत्तराखंड का निर्माण कराया, उत्तराखंड तब बना। आज उत्तराखंड का कोई भी लोग अगर वहाँ देहरादून में जाएंगे, राजधानी में जाएंगे, रिश्तेदार के जाएंगे, अपना इलाज कराने के लिए जाएंगे, तो उनको सबसे पहले 20 किलोमीटर चलने के लिए वहाँ पर टोल प्लाजा 170 चार्ज कराना पड़ेगा, या फिर जितने भी वहाँ से ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन आता है उसका सबसे 20 किलोमीटर चलने के लिए मात्र 170 रुपये पे करना पड़ता है। इस चीज पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमें पट्टी नीति के आधार पर ये नहीं देखना हमें विकास कहाँ हो रहा है, हमें देखना है पट्टी नीति बनने के बाद में सरकार बनने के बाद नीतियाँ क्या ला रहे हैं, जनता की सेवा कहाँ कर रहे हैं।